अब हमने यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट करनी है, तो हमने सपोज कर लिया कि यू डब्ल्यू हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्ट फोर डायमेंशनल सब स्पेसिस है किसी भी वेक्टर स्पेस वी की। उसने हमें स्टार्ट में बता दिया है कि यू और डब्ल्यू की जो डायमेंशन है वो हमारे पास फोर है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में ही लिख दिया कि यू की डायमेंशन फोर है और डब्ल्यू की डायमेंशन भी मेरे पास फोर है। फिर उसने उसके बाद कहा था कि जो वी है उसकी डायमेंशन हमारे पास सिक्स है, तो मैंने वी की डायमेंशन यहाँ पे सिक्स लिख दी। इससे मुझे साफ पता चल रहा है कि वी मेरे पास एक होल वेक्टर स्पेस है, यू और डब्ल्यू उसकी सब स्पेसिस हैं यानी उससे छोटी हैं। और फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, हमने अब यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू की डायमेंशन फाइंड करनी है। अगर आपको याद हो मैंने अभी लास्ट में ये थ्योरम की एक स्टेटमेंट पढ़ाई थी, तो हमने क्या करना है, हमने इसी स्टेटमेंट को इस पर अप्लाई करना है। तो वो आपने इस तरीके से अप्लाई करना है कि सबसे पहले आपको पता है इस चीज का कि यू प्लस डब्ल्यू हमारे पास एक सब स्पेस होता है। अभी लास्ट में हमने थ्योरम्स पढ़े थे कि अगर हम दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन लें या सम करें तो वो भी लाजमी एक सब स्पेस होता है, लेकिन अगर यूनियन लें तो वो लाजमी नहीं है कि सब स्पेस हो। यूनियन सब स्पेस तब होता है जब दोनों सब स्पेसेस एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड करें, अदरवाइज यू पे और इंटरसेक्शन पे जो है एडिशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट अप्लाई करनी है। हमने ये देखा कि हमने यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू फाइंड करना है, यानी हमने इसको करना है फाइंड जबकि हमें ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, लेकिन हमें यू प्लस डब्ल्यू की डायमेंशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले यू प्लस डब्ल्यू को फाइंड करना होगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे और किसको फाइंड कर लेंगे, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू यानी जो हमारी मेन डायमेंशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है यू प्लस डब्ल्यू की डायमेंशन फाइंड करना। तो आपने क्या किया, आपको पता है यू प्लस डब्ल्यू आपके पास वी की सब स्पेस है, तो और हमें ये भी पता है कि अगर हम यू प्लस डब्ल्यू करेंगे तो वो हमेशा छोटा होता है वी से। वो क्यों, क्योंकि वी तो पूरी वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस तो बहुत बड़ी होती है। अगर हम इसकी किसी भी दो सब स्पेसेस को ऐड करें तो वो सब स्पेसेस या तो इक्वल होगी या उससे छोटी होगी, उससे बड़ी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इस ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो पॉलिनोमियल के केस में पढ़ चुके हैं कि उसकी डायमेंशन लेस देन इक्वल्स टू एन होती है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री एन होती है, तो एन से हाईएस्ट टर्म कभी भी हम नहीं सोचते। सो दैट इज वाई इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे यूज किया। और डायमेंशन ऑफ वी जो है वो हमें सिक्स गिवन थी, तो मैंने सिक्स लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू हमारे पास सिक्स और सिक्स से छोटी है, लेकिन हमें ये अभी भी पता नहीं चला कि सिक्स से छोटी कितनी है, क्योंकि सिक्स से छोटे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये है हमें यहाँ पर एक और नंबर गिवन होना चाहिए। ये वाईफाई नेट पे चलता है ना, लाइट पे चलता है ना। जी स्टॉप हो जाएगी। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? आ रही है मैम जी। ठीक है। तो अब हमें स्टार्टिंग वाले नंबर का नहीं पता था कि शुरू कहाँ से करना है। एंड तो हमें पता चल गया 6 पे एंड करना है, तो बस शुरू का हमें नहीं पता चल रहा था कि इधर क्या आएगा। तो इसका मतलब ये है अब हमारा काम है स्टार्टिंग नंबर फाइंड करना। तो हमें इस चीज का पता है यू और डब्ल्यू हमारे पास छोटे होते हैं यू प्लस डब्ल्यू से, क्योंकि देखें यू हमारे पास जाहिर बात है सबसेट है यू प्लस डब्ल्यू का, क्योंकि इसमें तो हम दो सब स्पेसिस को ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो भी नंबर आएगा जाहिर बात है वो यू से तो बड़ा होगा। सो दैट इज वाई हम ये बात कह सकते हैं कि यू छोटा है और यू प्लस डब्ल्यू बड़ा है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू से लेस होगी। सिमिलरली हम डब्ल्यू के केस में भी ये बात कर सकते हैं कि डब्ल्यू भी हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू है। अगर आप दोनों में से यू लिख लें या डब्ल्यू लिख लें बात बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन इक्वल है, इसकी भी फोर है उसकी भी फोर थी, तो दोनों में से आप जो मर्जी लिख लें। तो अगर आप इसको अरेंज करके लिखें इस चीज को, तो आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ यू लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू सिक्स। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें नंबर मिला वो डायमेंशन ऑफ यू मिला, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे फोर लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास वैल्यू है वो फोर से स्टार्ट है और सिक्स पर एंड है।
तो अब हम फिर भी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लेते हैं कि क्या कहीं उसने कोई खास कंडीशन तो नहीं दी हुई। उसने स्टार्ट में कहा था कि यू डब्ल्यू हमारे पास डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब वो मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं लेनी हमने। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से इक्वल वाला साइन हटा देंगे ताकि ये चीज इसके इक्वल ना आए, डिस्टिंक्ट की वजह से आपने हटाया। सो इसका मतलब यह है कि डायमेंशन जो है वो वहां से आप इक्वल का साइन हटा दोगे तो लेस का साइन बन जाएगा, तो इसका मतलब वैल्यू जो है वो 4 से आगे जाएगी, यानी 5 हो सकती है या 6 होगी। तो इसका मतलब अब हमें दो नंबर्स मिल चुके हैं जिसके अंदर हमने अपने इस पूरे फॉर्मूले को पुट करना है। अब हम केसेस बना लेंगे, एक में हम 5 पुट करेंगे और एक में हम 6 पुट करेंगे। इसी फॉर्मूले के अंदर हमने पुट करना है सारी वैल्यूज को इसके अंदर। तो सबसे पहले केस में आपने ये लिया, केस वन में अगर सपोज करते हैं कि उसकी डायमेंशन हमारे पास 5 है, तो आप सिंपल अबव फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। सिमिलरली अगर आपने 6 किया, 6 को जब इसके अंदर पुट किया तो आपके पास 2 आ गया। सो इट मीन्स डायमेंशन या तो इसकी 3 है या 2 है। सो दैट इज वाई द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज 2 और 3। अब ये याद रखें, जो ऑप्शन आएगा आपके पास उसमें एक में हो सकता है 2 दिया हो, दूसरे में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो आपने उसमें से या जो 2 पे टिक लगाना या 3 पे टिक लगाना है। अब ये नहीं है कि उसने ए में 2 दिया होगा, बी में 3 दिया होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने या तो दोनों ए में लिखे होंगे या दोनों में से एक चीज लिखी होगी, तो अब इसमें से जो आपको सूटेबल लगेगा आपने उसको जो है वो चूज करना है। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी हम एमसीक्यूज में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहला है कि डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ इज ऑलवेज 1। हमें पता है कि फील्ड को अगर हम फील्ड के ऊपर डिफाइन करें तो वो हमेशा एक वेक्टर स्पेस होता है, ये पहले चैप्टर में हमने स्टडी किया था। और इसकी जो ऊपर आप देखें पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो हमेशा 1 होती है। सिमिलरली अगर आप क्यू ओवर क्यू कर ले, आर ओवर आर करें, सी ओवर सी करें, जो मर्जी ले लें, उसकी डायमेंशन हमेशा हमेशा 1 रहेगी, यानी वो 1 डायमेंशनल होगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है। अब ये तब था जब पावर 1 थी और सेम आ रहा था। अगर आपके पास आर स्क्वायर ओवर आ रहा है, यानी पावर अब चेंज होने स्टार्ट हो गई है, तो तब आप क्या कहोगे, उसकी डायमेंशन आपके पास क्या होगी, 2 होगी। अगर यहाँ 3 हो तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर पावर में एन आ जाता है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, एन होगी। सेकेंड हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरी चीज, अगर सी ओवर क्यू आ जाए या आर ओवर क्यू आ जाए, अब देखें दोनों डिफरेंट है, अब सेम नहीं है, तो अब कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जो इसकी डायमेंशन है वो इनफाइनाइट होगी, ये चीज भी याद रखनी है, क्योंकि हम इसकी डायमेंशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये भी आपके पास एक इनफाइनाइट नंबर है, ये भी इनफिनिट नंबर है, सेम भी नहीं है, दोनों डिफरेंट होने की वजह से उसकी डायमेंशन जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगी। अब ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में भी कि डायमेंशन ऑफ एम ऑफ एन क्रॉस एम कितनी होती है, फिर बहुत ज्यादा आगे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैट्रिसेस आपके पास एम क्रॉस एन का है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से जो मर्जी आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। सपोज करें ये पहले आ चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ एम ऑफ 3 क्रॉस 2 करें तो वो 6 होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। तो ये मैट्रिसेस की डायमेंशन निकालने का शॉर्ट मेथड है। गुड नाइट। अब आपने डायमेंशन आर एन की निकाली, मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि अगर इस तरह की डायमेंशन हो तो हमेशा एन होता है। अब ये दो डिफरेंट पॉइंट है, आर एन ओवर आर की एन होती है, अगर सी एन ओवर आर आ जाए तो 2 एन है, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इसको आपने याद रखना है कि डायमेंशन अगर आर एन ओवर आर की है तो एन होती है, और सी एन ओवर आर आ जाए तो वो हमारे पास 2 एन होती है। और दूसरी बात ये रिस्ट्रिक्शन की है, अगर याद हो तो मैंने पीछे एक एग्जाम्पल करवाई थी जिसमें x2 x3 के इक्वल था, उसमें मैंने उसको रिस्ट्रिक्शन, उसके लिए एक वर्ड रिस्ट्रिक्शन यूज किया था। सो दैट इज वाई अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन गिवन है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में थी जिसमें x2 x3 के इक्वल था, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन गिवन थी, तो टोटल उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 4 थे, और रिस्ट्रिक्शन कितनी थी, एक रिस्ट्रिक्शन थी। तो ऐसे टाइम पे जब आप 4 को 1 में से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन उस टाइम वहां पे भी आपने देखा होगा 3 थी, और यहाँ पर भी हमारे पास जो डायमेंशन है वो 3 है। सिमिलरली अगली शॉर्ट ट्रिक ये है कि डायमेंशन अगर आप किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की निकालते हैं जिसका ऑर्डर n है, तो उसकी n n प्लस 1/2 होती है। सिमिलरली अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक की निकालें तो n n -1/2 है। ये अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम निकालते हैं। अब हमने नेक्स्ट में एमसीक्यूज करना, इसमें अब आप देखें सबसे पहला एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस।
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर आप वेक्टर स्पेस कंसीडर करने हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट। यस, जी कुछ कहा आपने? बाहर अगर बड़ी हो तो अंदर छोटी हो तो फिर वो हमेशा वेक्टर स्पेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और अगर सेम आ जाए तब भी वो वेक्टर स्पेस ही होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। कॉम्प्लेक्स इस नंबर के लिए हाँ आपने जी, हाँ चेंज जी, बताया था। इस वजह से ये ए भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, और ये डी तो वैसे ही ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है जी हमारे पास जो है वो वेक्टर स्पेस बनाता ही नहीं है। तो और सेम टू सेम हमारे पास वैसे वेक्टर स्पेस होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि बेसिस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो डायमेंशन कहलाते हैं। बाकी तो आइगन वैल्यूज, यूनिवर्स एलिमेंट या डिटर्मिनेंट है, ये ठीक नहीं है। बेसिस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डायमेंशन कहलाते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो तो तीसरा है, वैसे ये तीसरा असल में मैंने बाय मिस्टेक लिख लिया है, ये नेक्स्ट चैप्टर में है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो इसको बाद में वैसे कर लेंगे। बट वैसे ही आपको बता देती हूँ कि ऑर्थोगोनल आपने जाहिर बात है पढ़ा होगा, जब आप लोग बीएस कर रहे हैं या एमएससी करके आए हैं, तो आपने वहां पे देखा होगा कि अगर हम किसी भी वेक्टर को ऑर्थोगोनल चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उसका आंसर 0 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है, अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास ऑर्थोगोनल नहीं है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल का। फोर्थ में आपके पास ये है कि वी ओवर डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं। अभी अगर आपको याद हो हमने क्वेश्चन स्पेस पढ़ी थी, तो वी ओवर डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन स्पेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है हमारे पास के डायमेंशन, अगर हम V3 ओवर R की फाइंड करें। अब देखिए यहाँ पर V लिखा हुआ है, V3 लिखा हुआ है, ना कि उसने हमें कोई स्केलर नंबर दिया है, ना उसने R दिया है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं दिया। तो ऐसे सूरत में आप इसके एलिमेंट चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन 3 है। तो 6 MCQs में उसने हमें एक वेक्टर दे दिया है और कहा है कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखो और m की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसका बिल्कुल इजी सा वे है, आपने क्या करना है, आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर से छोटा सा लिखा हुआ है कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। 3 2 1 + b 2 1 0 आपने लिखा, आपने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपने उसे होल वेक्टर स्पेस के इक्वल कर दिया। अब आपको पता है कि ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बी को मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल ऑर्डर पेयर को कैसे ऐड करते हैं, ये बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। फिर आपको पता है कि फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करते हैं, वो मैंने कंपैरिजन करके यहाँ पे लिख दिया। इधर से मैंने देखा ए की वैल्यू 1 आ रही है, अब ए की वैल्यू को अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो बी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो इसका मतलब ए भी 1 है, बी भी 1 है। अब ए बी की वैल्यू को अगर मैं इधर पुट करती हूँ तो देखें ए भी 1 था, बी भी 1 है, तो 3 + 2 5 हो गया, तो इसका मतलब एम की वैल्यू 5 आ गई। अगर आप इसको खुद ज्यादा ओपन करके लिखेंगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा कि ये 5 कैसे आया है। बहरहाल जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही है, सिंपल कॉम्बिनेशन बनाया, वेक्टर्स को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ए बी की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो आपके पास एम की वैल्यू निकल आई। तो ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट में है कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एन ओवर आर इज एन, सेम ऊपर वाला था, अगर 3 था तो इधर 3 आ गया, अगर इधर सिमिलरली एन है तो आपके पास एन ही आ जाएगा। नेक्स्ट में उसने क्या, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दिस, इसकी डायमेंशन बतानी है। तो आपने इसके लिए क्या देखा, कोई रिस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है, ठीक है, और फिर आपने ये देखा कि ये 4 टपल्स पर मुश्तमिल है, सो दैट इज वाई आपने खुद सिंपली डायमेंशन दे के बता दिया सेट को कि इसकी जो डायमेंशन है वो 4 है स्पैनिंग सेट की। इसमें कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन हमें गिवन थी इसमें, ये सिंपल था। और ये स्टेटमेंट अभी हमने किया है कि डायमेंशन ऑफ W1 + W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2 - डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। सो ये थ्योरम की एक स्टेटमेंट है, ये बुक में लिखी हुई है, तो ये इजी है, ये इसका भी ऑप्शन ठीक है, ये मुश्किल नहीं है। हम इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी या जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए होता था कि अगर हमारे पास कोई भी टू इवेंट्स डिसजॉइंट है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो उसमें आता था ए इंटरसेक्शन बी, या फिर यहाँ पर जैसे W1 इंटरसेक्शन W2 है। तो नहीं, कोई मैम इसके सोल्यूशन नहीं है लिए इसकी। जॉइंट हो या डिसजॉइंट ना हो दोनों के लिए ही है, या फिर एक में आपने माइनस करवाया एक में प्लस करवाया है? नहीं, ये असल में फॉर्मूले में अगर आप देखें तो माइनस था दूसरी साइड पे, तो वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाता है, सेम फॉर्मूला वही लिखा हुआ है एज इट इज। ओके
तो मैम ये डिस्जॉइंट और मतलब दोनों के लिए हाँ जी, हाँ जी, दोनों के लिए। नेक्स्ट में हमारे पास है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस सी स्क्वायर ओवर आर इज। अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे एक ट्रिक बताई थी, सी एन ओवर टू आर की वन डायमेंशन 2 1 होती है, आर एन ओवर आर की एन होती है, और नई चीज ये है कि आर एन ओवर क्यू की इनफाइनाइट डायमेंशन होती है। ये तीन ही मेन पॉइंट्स है, यही तीन ही मोस्टली पूछे जाते हैं, सो इसको आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें। तो आप खुद ही बता देंगे यहाँ पे एन 2 था, तो इधर आपने 2 पुट किया, 2 टू द 4 हो गया, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से लिखे हुए हैं ये, हम जब कल से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे तब मैं ये वहां करवाऊंगी आपका एमसीक्यूज। नेक्स्ट में उसने ये कहा है कि डब्ल्यू अगर आपके पास वेक्टर स्पेस है, आर ओवर आर है, आपने इसकी सब स्पेस बतानी है कौन कौन सी है, यानी आपने ये बताना है कि इससे छोटा हमारे पास यहाँ कहाँ पर आएगा। आपने देखा कि क्या सी जो है सबसेट है आर का, क्योंकि सब स्पेस का मतलब है उससे छोटा होना, तो क्या सी सबसेट है आर का? नहीं, ये कंडीशन सही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं है। फिर आपने देखा कि क्या क्यू सबसेट है आर का? हाँ जी, क्यू सबसेट होता है आर का, हमें पता है, लेकिन क्या ये वेक्टर स्पेस है? देखिए, बाहर छोटा है अंदर बड़ा है, तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस है ही नहीं, सो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। और आपको जी का भी पता है कि जी वेक्टर स्पेस नहीं होता, तो ऑप्शन ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। और आर ओवर आर आपको पता है वेक्टर स्पेस भी होता है, और हर सेट अपना सबसेट तो लाजमी होता है, सो दैट इज वाई ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। फिर 15 में आपने देखा आपके पास एक सेट गिवन था, आपने देखा आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन गिवन है, वन रिस्ट्रिक्शन है, तो इसका मेथड मैंने क्या बताया था? टोटल आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, 5 में से वो रिस्ट्रिक्शन कितनी है? एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर दो रिस्ट्रिक्शन हो तो आप 2 माइनस करेंगे, 3 रिस्ट्रिक्शन हो 3 माइनस करेंगे, लेकिन फिलहाल 1 रिस्ट्रिक्शन थी, तो आपने जब 1 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया? 4 आ। नेक्स्ट, 16 में है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द 3 क्रॉस 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैंने फिर आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसके लिए एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, एन की जगह 3 है, तो आंसर आपके पास जो है वो 6 आ गया, 6 ऑप्शन करेक्ट है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ये सिंपल इसका फॉर्मूला है हमारे पास। और मैंने ये भी बताया था कि एफ ओवर एफ यानी सेम सेम हो तो उसकी डायमेंशन हमेशा 1 होती है, देखिए सी ओवर सी की 1 है। और नेक्स्ट है कि क्यू आर ओवर क्यू की क्या होती है? अगर दोनों डिफरेंट हो और पावर में कुछ भी ना गिवन हो तो उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। सेम सेम का और डिफरेंट डिफरेंट का और पावर का, इन 3 चीजों का आपने बस ध्यान रखना है। और सेम सेम हो और पावर ऊपर देखिए 2 है, तो इसकी डायमेंशन आपके पास सिंपल 2 आ जाएगी। तो मैंने ये यहाँ पे साइड पे लिख भी दिया है कि एफ एन ओवर एफ की एन है, तो क्यू स्क्वायर ओवर क्यू के हमारे पास 2 डायमेंशन हो जाती है। सिमिलरली नेक्स्ट में है कि भी अगर आपके पास वेक्टर स्पेस है 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस का, तो उसकी डायमेंशन आपने बतानी है, तो सिमिलरली मैट्रिसेस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो सिमिलरली ये भी वही मेथड लगाओगे। बाकी क्वेश्चन स्पेस की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि क्वेश्चन स्पेस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वी ओवर डब्ल्यू 8 है, वही मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखा, इसकी वैल्यू पुट की, डब्ल्यू की डायमेंशन पुट की, वी की फाइंड करनी थी, तो मैंने सिंपल बस इसमें वैल्यू पुट की, दूसरी साइड पे ले गई, आंसर मेरे पास जो है वो 11 आ गया, तो मेरे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। और मेन चीज ये वाली है, इसको जरा गौर से देखिएगा, सबसेट वाली बात को। और दूसरा, आपको पता है कि जो जीरो वेक्टर होता है उसकी डायमेंशन 0 है, क्योंकि इसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं बचता हमारे पास, सो ऐसे स्पेस में हमारे पास कोई वेक्टर जनरेट नहीं होता, सो इसकी डायमेंशन हमारे पास 0 हो जाती है। नेक्स्ट है कि एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी इज एल डी, इसका मतलब अगर मैम इधर अगर सेट में 0 की जगह कोई और वैल्यू दी हुई हो लाइक 1, 2, 4 एक्सेट्रा तो फिर क्या आएगी डायमेंशन हाँ उसकी? जी, फिर उसकी डायमेंशन आ सकती है, उसके लिए उसने फिर कोई सेट दिया होगा जिसके जरिए, जो हमने पीछे पूरा पढ़ा है डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बेसिस फाइंड करेंगे फिर उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर सिंपल 0 है तब क्या होगी, बाकियों के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, इसके लिए नहीं लगानी। जी नेक्स्ट है कि एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी इज एल डी, यानी एल डी से अबव जो सेट होगा वो हमेशा एल डी होगा। और दूसरा है कि एवरी सबसेट ऑफ एल आई इज एल आई, सुपर सेट का मतलब है एल डी से बड़ा, और सबसेट का मतलब है एल आई से छोटा, पीछे वाला, तो इसका मतलब एल आई से पीछे वाला जो भी हम अगर सेट लेते हैं वो हमेशा एल आई होगा, और अगर एल डी से आगे वाला एलिमेंट लें या आगे वाला कोई सेट लें तो वो हमेशा एल डी होगा। अगर याद हो तो हमने अभी थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी थी, अगर एन वेक्टर्स आपके पास जो भी हैं तो उसमें जो एन प्लस वन वन वेक्टर होते हैं वो हमेशा एल डी होते हैं,
तो ये सिमिलरली वही स्टेटमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया होगा। और दूसरी मेन स्टेटमेंट ये है, द एम्पटी सेट फाई इज डिफाइंड एज एल आई। एम्पटी सेट हमेशा एल आई होता है, इसको भी याद रखिएगा, ये अक्सर जो है वो ऑप्शन में आ जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने इस बुक को रीड आउट करना है। मैंने इसी बुक के क्वेश्चंस को ही जो है वो एक्सप्लेनेशन से लिखा हुआ था कि क्या होता है। ये चैप्टर हमारा वेक्टर स्पेस का मैम, एक्सटेंड होता है। या तो ऐसा करें, मुझे कल क्विज दे दें इस चैप्टर की, अगर देना चाहते हैं तो, सिर्फ वेक्टर स्पेस की। जी एक्सक्यूज मी मैम, जी बोलो। कल वाला जो लेक्चर था वो कब आप सेंड करेंगी? वो मैं अभी लैपटॉप ऑन है, अभी सेंड करती हूँ आप लोगों को। मैम वो भी कर दें, वो भी तैयार नहीं है। और चले मैं भी भेजती हूँ। मैम ये जो बुक अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसका ये जो यूनिट है ये पूरा करना है? ये जो तीन चैप्टर कॉन्सेप्ट रीड था करना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल मेथड को भी रीड कर लीजिएगा, बीएससी की बुक को, उधर से भी आपको कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मैम, उसका यूनिट नंबर 6 है, 6 मैथमेटिकल 6 यूनिट है।